की मासी ने अथर्व को गिफ्ट दिया ये है ना, मासी ने गिफ्ट दिया है अथर्व को। दादी को देख रहा है। ये क्या करा, ये बाजू उठा रहा ऊपर, मैंने कहा ये क्या करा, डांस ये देखो वो कर्माची ने गिफ्ट दिया अथर्व को। अच्छा अथर्व को कल बहुत सारी गिफ्ट्स मिली है, बॉल्स मिली है सबसे ज्यादा तो, है ना, एक तो ये डम डम करने वाला भी ना, अबे 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 स्वाक्ष भी बटनों में ऐसा घुसता है ना, ओ चलो। हाँ ये डम डम, ये बॉल्स, ये मिला अथर्व को, और पता नहीं कहाँ कहाँ रख दिया मम्मा ने, मम्मा ने रख दिया सारा सामान, सारी चॉकलेट्स, बैग फुल ऑफ चीजी है ना पूजा, मज़े आएगी मज़े खाने के, अब पूजा खाएगा ये सारी चीजें है ना गुगलू, है ना गुगलू, मुंह में पानी आ गया। ये देखो जनाब ने खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया पैकेट लेके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा आप सब लोग, आई होप कि अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मम्मी सोए हुए, अथर्व को भाभी बाहर सुला रहे, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बीच के थोड़े से क्लिप्स तो मैंने दिए थे जब मैं अथर्व के साथ थी, फिर उसके बाद सुबह तो मैं लेट उठी हूँ, फिर ब्रेकफास्ट किया, देन उसके एक घंटे बाद नहाई, और अभी 12:30 हो रहे हैं। तो आप लोग तो मेरा व्लॉग सुबह 7 बजे आता था, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा व्लॉग सुबह ही पहुँचेगा आपके पास, तो आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग होगी, मैं चाहे जब मर्जी व्लॉग स्टार्ट करूँ, है ना, तो इसलिए। और मौसम तो साफ ही है, बट थोड़े थोड़े बादल है बाहर, और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ नहा नो के, बाल गिले तो मैंने ऐसे थोड़े से हल्के से रबड़ लगा के किए हुए पीछे, मैंने कहा सूख ही जाएंगे जब तक मैं पार पहुँचूँगी। मेरा ससुराल उधर है पार, इधर पार, हाँ उधर पार सामने, तो मैं बस निकलूँगी। है इतो ब्रांड दो नहीं है तिथ पंडो, तो मंदिर दिश लागो तुम को, मंदिर दिश लागो तो ते ही तो उद्देक है सिटे, तो अब थोड़े उबड़े है उद्देक है, ओ ऐसे है, ऐसे है कौन है क्या, ओ तिंगी बैठी थी, लाल छोटर, लाल छोटो के डे ना इश्ता के पूरे के मारे दिन पत्थु के से जो नाड़ा जैन दिश लगा तिंगी बैठ थे ओ ओ ओ भाई जिंग दिश वाड़ो के जो तिंग तो बदो वो देख 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 तो लाल छोटो, ये आज को अंडे के छोड़ो अंडे के तो अथर्व सो गया था, अब मैं भी चल पड़ूँ, तो निकलते हैं पार फटाफट से। अच्छा पार जाने से पहले मैं अभी प्रीति से मिलूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उससे मिली नहीं, आंटी से भी मिल लूँगी, फिर थोड़ी देर फिर खिसकूँगी डायरेक्ट घर को। चलो इतनी जोर से खोलते हैं दरवाजा, कितनी जोर का, ओ माय गॉड, तो ये देखो आंटी जी आ गए, और ये प्रीतिक इसको चश्मे लग गए, दो नंबर का अंकल बाहर है, दो नंबर का, दो नंबर का, दो नंबर पूरा पूरा 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट मैं इंटेलिजेंट लग रहा हूँ बेवकूफ,
मैंने पहले कोई और वर्ड यूज कर लिया। नहीं ये तो ऐसे लग रहा है कि तूने स्टाइल के लिए लगाया। हाँ ऐसे लग नहीं रहा कि तेरे को लगे हुए। नहीं पर लगे हैं। अब मेरा चेहरा ऐसा है तो मैं क्या करूं। ओहो हो 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 सीरियल किलर भी लग रहा हूं मैं। हाँ है ना। हाँ शरीर जैसे दिखता है। हाँ मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था। चार्ल्स सोब्राज। तो लो जी मैं पहुंच गई घर अपने। थक गई क्योंकि धूप भी बहुत तेज है, बादल भी है और ये लोग भी लंच करके फ्री हो गए। मम्मी पूछ रहे थे मेरे से कि तूने मैं खा के आई हूँ बाहर से, मुझे नहीं खाना, ड्रेस चेंज करते हो बराबर से, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ तब करूँगी। पसीने भाई। तो मैं ड्रेस चेंज करके कब की फ्री हो चुकी थी, उसके बाद मैं बैठी हुई थी और अभी जैसे कि चाचा का जाने का टाइम होता है तो चाय वगैरह बनाई। अभी मम्मी भी तैयार हो गए और वो जा रहे हैं चंडीगढ़ अपनी बेटी के पास, तो वो उधर के लिए निकल गए। मैंने कहा ठीक है, तो अभी मैंने कहा अभी तो 3:30 है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ एंड देन जब उठूँगी फिर डिनर की तैयारी करूँगी। अभी आराम से सो जाऊँगी मैं 1-1.5 घंटे, फिर डिनर बना लूँगी टाइम से। तो मैं सो के कब की उठ चुकी थी, उसके बाद मैं लगी थी कपड़े धोने। फिर जिस टाइम मैं कपड़े धो रही थी मेरे फ़ोन में अब क्या बैटरी नहीं, तो मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था। और अभी मैं जो सब्जियां काट के ही आई हूँ, तो मैं सब्जी काटने में मैंने कहा कुछ तो मिसिंग है, मैंने कहा वही ब्लॉग तो शूट ही नहीं करा। मैं फटाफट से फ़ोन लेने भागी अभी रूम में, मैंने कहा अब शूट करती हूँ। और अभी 7:30 हो रहे हैं, जस्ट सब्जियाँ कट दी है, अब भिंडी की सब्जी बनाने वाली आज मैं, और हमने सिर्फ तड़का मारना है, सिर्फ तड़का बचा है तो फटाफट से तड़का मारती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो ये देखो भिंडी काट दी है, वो तड़के के लिए प्याज है, ये थोड़ा सा भिंडी मैं बाद में ऐड करूँगी। तो पापा बैठे हुए डिनर करने और मैं भी डिनर कर रही हूँ। तो मैं डिनर बना के फ्री हो चुकी थी और उसके बाद पापा आए शॉप से, 8:30 हो रहे हैं, और फिर पापा को मैंने खाना दे दिया कट के और मैं खुद भी खाने लगी हूँ। चाचा आएंगे 10 बजे तक, फिर उनको दूंगी। तो चाचू आ गए थे, फिर उनको डिनर दिया, फिर सारे बर्तन धोए, साफ़ सफाई करी किचन की एंड फाइनली अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। चाचू और पापा सो चुके हैं, अब मैं भी एडिटिंग करूँगी फिर सो जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।